सब्जी की आड़ में शराब की तस्करी। शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब्जी से भरे ट्रक में करते थे शराब की तस्करी। गैंग सरगना कार से पीछे चलता था। ट्रक में सब्जी की बोरियों की आड़ में हरियाणा निर्मित शराब को अवैध तरीके से जयपुर में तस्करी करने वाले दो युवक पुलिस ने कालवाड़ इलाके से गिरफ्तार किए। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने नाकाबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया और ट्रक में गोबियों के बीच छिपा रखे शराब की 160 कार्टन बरामद कर लिए। जब्त शराब की बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये तस्करी शराब की तस्करी के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। वे मंगलवार व शनिवार की रात 12 बजे के बाद ही तस्करी के लिए रवाना होते थे, लेकिन इस बार पुलिस से बच नहीं सके। वहीं शराब से भरे ट्रक को गैंग का सरगना धर्मपाल मीणा खुद स्विफ्ट कार से एस्कॉर्ट करता था, लेकिन वह बचकर भाग निकला। उसकी तलाश जारी है। चौमू से नागौर तक पहुंचाने के लिए मिलने थे 5,000-5,000 रुपये। एडिशनल कमिश्नरेट अजयपाल लांबा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी प्रहलाद जाट सीकर जिले से लोसल व सुभाष यादव सीकर में अजीतगढ़ कस्बे का रहने वाला है। ये दोनों शराब तस्कर धर्मपाल मीणा के लिए काम करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि धर्मपाल मीणा ने गोभी सब्जी से भरे ट्रक को चौमू बाईपास के पास सौंपा था। इसमें भरी शराब को तस्करी कर नागौर तक पहुंचाने के लिए 5,000-5,000 रुपये देना तय किया था। चौमू में मंडी से सस्ते दामों में सब्जी खरीदकर ट्रक में भर देते थे, फिर करते थे तस्करी। डीसीपी योगेश यादव ने बताया, पुलिस को सूचना मिली कि कुछ तस्कर सब्जी की आड़ में हरियाणा निर्मित शराब की तस्करी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर कालवाड़ चौमू व हरमाड़ा इलाके में निगरानी रखनी शुरू की। इस दौरान कालवाड़ इलाके में ग्रामीण से आने वाली रोड पर नाकाबंदी करके ट्रक को पकड़ लिया। आरोपी चौमू से मंडी से सस्ती सब्जी खरीदकर ट्रक में शराब के कार्टूनों के ऊपर भरवाते हैं। उसके बाद रास्ते में अलग अलग जगह पर चालक व खलासी बदल देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान लाइव। धन्यवाद।